हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। आज हम करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं 2-3 दिन कॉपीराइट के कारण वीडियोस नहीं डाल पाया, क्योंकि मैंने जो वीडियो डाली थी वो कॉपीराइट हो गई कुछ फाइटिंग सीन्स के कारण। तो चलो, अभी मैंने वो कट कर दिया है और वापस से वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो, बिना वक्त गवाए करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर नारुतो सुनाड़े के रूम में आते हैं और कहते हैं कि हम आ गए। और सुनाड़े कहते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग मुझे बताओ कि तुमने तुम्हारी ट्रेनिंग किस प्रकार की है। रुको, मैं तुम्हारे लिए अपोनेंट बुलाती हूँ। तभी नारुतो पीछे देखता है तो वहाँ पर तेमारी और शिकामारू आते हैं। और उसके बाद ये साकुरा उन्हें देख कर हैरान होती है और कहती है कि हे, देखो कौन आया है। और ये दोनों नारुतो को देख कर हैरान होते हैं। और फिर बाद में शिकामारू कहता है, हे नारुतो, तुम कितने दिनों बाद आए, शायद 2 साल हो गए। और उसके बाद नारुतो कहता है, हाँ शिकामारू, तुम भी बदल चुके हो। और ये तेमारी कहती है, अरे ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो गया, मुझे पता नहीं बचपन में कितना शरारती था। उसके बाद शिकामारू से कहता है कि तुम बहुत बदल गए हो नारुतो। पर साकुरा उससे कहती है, नहीं शिकामारू, ये बिल्कुल नहीं बदला, अभी का भी वही थड़की है जिराया सेंसे की तरह। तो जिराया सेंसे कहते हैं, उसमें मेरी कुछ गलती नहीं है, उसे मेरी ये वाली आदतें फॉलो करने को मैंने नहीं कहा था। फिर उसके बाद नारुतो शिकामारू से कहता है कि तुम हमारे अपोनेंट हो। शिकामारू कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ पर पेपर जमा करने आया था। और यहाँ पर फिर नारुतो तेमारी से पूछता है कि तुम मेरी अपोनेंट हो, पर तुम हो कौन, बताओ लड़की। तो फिर तेमारी कहती है, हे बेवकूफ़, मैं तेमारी हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए। उसके बाद सुनाड़े कहती है कि तुम्हारा अपोनेंट बाहर है नारुतो, जाकर देखो। तो फिर नारुतो बहुत खुशी से बाहर जाकर देखता है कि उसका अपोनेंट कौन है। उसका अपोनेंट होता है काकाशी सेंसे। वो कहते हैं, हे नारुतो, क्या कैसे हो तुम। हाँ, फिर नारुतो कहते हैं, वाह काकाशी सेंसे, आप तो मुझे यही पेन मिल गए, रुको मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लाया है, मैं आपको वो देना चाहता हूँ। फिर नारुतो कहता है, ये लो आपका गिफ्ट। फिर काकाशी सेंसे कहता है, क्या है ये गिफ्ट। तो ये कुछ मांगा की बुक होती है जो बहुत लेटेस्ट वर्जन होती है। तो ये देखकर काकाशी सेंसे बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, ये अभी तक मार्केट में भी नहीं, वाव थैंक यू नारुतो ये गिफ्ट देने के लिए। नारुतो कहता है, मुझे पता है कि ये मेरे लिए बोरिंग चीज़ है, पर आपके लिए काम की चीज़ है काकाशी सेंसे। उसके बाद काकाशी सेंसे ये बुक खोलते हैं तो उनको ये पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं, शुक्रिया नारुतो। और फिर वो हवा में उड़ जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब ठीक है। और फिर नारुतो कहता है, क्या हुआ काकाशी सेंसे। फिर नारुतो कहता है कि बताओ काकाशी सेंसे। तो काकाशी सेंसे कहते हैं कि चलो अभी आपके ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करने जाओ, क्योंकि मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। ए साकुरा, कैसी हो तुम, बहुत दिनों बाद नारुतो से मिला हूँ, अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं, तो चलो जल्दी से ट्रेनिंग के स्पॉट पर पहुँच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा, मुझे अभी थोड़ी जल्दी में है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो नारुतो कहता है, ओ कहाँ पर जा रहे हो इतने जल्दी, क्या जल्दी है तुम्हें काकाशी सेंसे। तो फिर सुनाड़े कहती है, हाँ काकाशी सेंसे, तुम बच्चों को छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो काकाशी सेंसे कहते हैं कि मेरी मैच इन दोनों से है। तो फिर साकुरा कहती है, क्या नारुतो के साथ साथ मैं भी काकाशी सेंसे से लड़ूंगी। तो फिर काकाशी सेंसे कहते हैं, हाँ तुम्हारे साथ नारुतो भी मेरे साथ लड़ेगा। और फिर वो काकाशी सेंसे गायब हो जाते हैं। और फिर नारुतो कहता है कि मुझे पता है कि हम दोनों को काकाशी सेंसे के साथ लड़ना है, पर वो अब गए कहाँ पर। और वो काकाशी सेंसे को ढूंढने जाते रहते हैं। नारुतो कहता है कि का पता नहीं काकाशी सेंसे कहाँ पर चले गए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तेमारी शिकामारू को देख कर नारुतो कहता है, हे कहाँ पर जा रहे हो। तो फिर शिकामारू कहता है, नहीं बेवकूफ़, हम यहीं पर है, तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, हमें बहुत सारे काम हैं, हमें चोनिन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी होगी, सब लोगों को इकट्ठा करना है, समझे। तेमारी कहती है, हाँ नारुतो तुम्हें पता नहीं हम सब जोनिन बन गए हैं, समझे, और हमें सब गिनिन को जोनिन बना के लिए वो एग्ज़ाम लेनी है। और फिर नारुतो कहता है, क्या सच में सिर्फ मैं ही अकेला गिनिन बचा हूँ, तुम सब जोनिन बन गए। फिर नारुतो कहता है, अरे मैं अकेला पड़ गया। और फिर नारुतो कहता है, क्या सच में कहो, मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब जोनिन हो। और फिर वो साकुरा से पूछता है, तो साकुरा कहती है, हाँ मैं भी जोनिन बन गई हूँ। और फिर शिकामारू कहता है, हाँ और हमारे साथ जी इनो और बाकी सब भी जोनिन बन गए हैं, और तेमारी भी, और अभी हमें जोनिन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। तो नारुतो ये देखकर हैरान होता है, वो पूछता है, गारा। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर गारा अपने विलेज में होता है और वो एक खाजी कागे बन गया होता है, उसके डैड के
आत्महत्या मतलब मर्डर के बाद। फिर नरूटो कहता है कोई बात नहीं, तुम सब जोनिन बन गए हो और गारा भी अब उसके विलेज का काजीकागे है, पर तुम्हें पता नहीं होगा शायद मैं भी बहुत बड़ा बनकर दिखाऊंगा। तो ये देखकर शिकामारू कहता है क्या बड़ी बड़ी फेंक रहा है, पर नरूटो कहता है नहीं मैं फेंक नहीं रहा, मैं एक दिन वहाँ पे मेरी मूर्ति लगा के रहूँगा, मतलब मैं एक दिन ना एक दिन होकागे बनकर ही दिखाऊंगा, तुम्हें पता है। और उसके बाद वो कहता है कि चलो अब मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और काम करना है क्योंकि मुझे काकाशी सेंसेई से लड़ना है, समझे। और फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो अब जाते हैं काकाशी सेंसेई के पास। और यहाँ पर काकाशी सेंसेई किसी छत पर आकर वो बुक पढ़ते रहते हैं जो नरूटो ने उन्हें गिफ्ट की थी। और फिर पढ़ते पढ़ते वो कहते हैं वाह कितनी लाजवाब है। और तभी पीछे से जिराय सेंसेई आते हैं और कहते हैं वाह काकाशी क्या तुम्हें मेरी बुक अच्छी लगी। और फिर वो कहते हैं कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो दोनों साथ साथ बात करने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि काकाशी मैं तुम्हारे कहने पर मैं नरूटो को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। और फिर काकाशी कहते हैं वो तो बहुत बड़ा हो चुका है और शायद समझदार भी। और फिर वो एक चाय के स्टॉल में आते हैं और कहते हैं हाँ पर उसे अभी भी सेफ्टी की ज़रूरत है क्योंकि मुझे पता है वो अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे पड़ी है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि गारा के विलेज में भी वो अकात्सुकी के बारे में कहते रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिराया सेंसेई काकाशी से कहते हैं कि वो यहाँ पर आ सकते हैं नरूटो के पीछे क्योंकि उस अकात्सुकी क्लैन में बहुत ख़तरनाक मेंबर से आपको पता ही है जिन्होंने गारा के पापा को मार दिया था, उनमें से एक ओरोचिमारू था, पता है ना काकाशी। काकाशी कहता है पर वो नरूटो के पीछे क्यों लगे हैं, नरूटो में ऐसा क्या है। फिर जिराया उसे याद दिलाते हैं कि नरूटो के अंदर नाइन टेल फॉक्स है जो कि बहुत ताकतवर है और शायद वो इस नाइन टेल फॉक्स के ज़रिए कुछ बुरा काम करने वाले हैं। तो काकाशी फिर काकाशी कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तो चलो अभी जल्दी से जाना होगा। फिर जिराया कहते हैं हाँ जल्दी से मैं बहुत सारे विलेजेस में जाकर नज़र रखता हूँ तुम्हें पता है। और उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक खड़ूस आदमी बैठा है और वो अकात्सुकी के बारे में विलेज के लोगों को बताता रहता है कि वो ब्लैक कलर का कोट जिसके ऊपर लाल बादल बना है वो पहनते हैं, समझे, और उनसे सावधान रहना ही होगा। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो जाता रहता है, तभी उसे कुछ अलर्ट आता है जिससे कि उसका सिर दुखने लगता है और वो एक जगह पर रुकता है और कहता है कि शायद वो आ गए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रुक जाता है, उसका साथी कहता है क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं। और यहाँ पर रेगिस्तान से होकर सैंड विलेज तक जाने के लिए अकात्सुकी निकल जाते हैं, उनमें से एक डिएद्रा होता है जिसके हाथ पर जीभ लगी है। और यहाँ पर हमारे नरूटो और साकुरा काकाशी सेंसेई का वेट करते हैं और नरूटो कहता है वाह यादें ताज़ा हो गई, देखो ना पर हम तीनों साथ थे, अभी दो ही है, पता नहीं वो पल वापस कब आएगा। फिर काकाशी सेंसेई कहते हैं हाँ सासुके चला गया, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर साकुरा कहती है मैं तो टूट गई हूँ पूरी तरह से, मुझे अभी भी वो रात याद है जब उसने मुझे छोड़कर गया था, मुझे पता है कि वो कैसे चला गया था, मैंने उसको नालाक मना किया पर वो नहीं सुना। और फिर नरूटो कहता है हाँ मेरी भी उसके साथ बहुत सारी फाइट हुई है पर वो क्या करे ओरोचिमारू के पीछे चला गया, वो शायद लालच में फंस गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये काकाशी उन्हें देखते और कहते हैं कि अरे सासुके की यादों में इन दोनों ने तो रोना शुरू कर दिया, अब क्या करूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काकाशी सेंसेई बेल्स निकालते हैं और कहते हैं रोना बंद करो और ये बेल्स मुझसे लेकर दिखाओ। और फिर साकुरा कहती है हम ये बेल्स लेके ही रहेंगे काकाशी सेंसेई, हमें पता है हमने पिछली बार भी ये ट्राई किया था। और नरूटो कहता है हाँ मुझे अभी भी याद है जब आपने पहली बार वो बेल्स का गेम हमारे साथ लाया था। पर काकाशी सेंसेई कहते हैं अब वो सीरियस है, अब वो मजाक नहीं, समझे नरूटो। और फिर नरूटो कहता है क्या अब वो आप बुक पढ़ते पढ़ते हमारे साथ वो गेम खेलेंगे। पर काकाशी सेंसेई कहते नहीं ये एक ट्रेनिंग है और इस बार मैं सीरियस हूँ। उसके बाद वो नरूटो कहता है हाँ मैं और साकुरा आपको हमारे ट्रेनिंग से बता देंगे कि हम आप कितना ताकतवर है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं काकाशी सेंसे वो बुक अंदर रख देते हैं और कहते हैं इस बार मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। और वो अपना शारिंगन ओपन कर लेते हैं और कहते हैं चलो अब रेडी हो जाओ मेरे शारिंगन के साथ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर रेगिस्तान से होते हुए सैंड विलेज में वो आकाशुकी आते रहते हैं वन टेल को पकड़ने के लिए, जिसका नाम होता है फुकागो। और ये गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं अरे ये तो वही आकाशुकी है ना बॉस। और फिर ये कहता है हाँ। और वो आकाशुकी उस विलेज के गेट पर आते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो जो आदमी था जो उनके बारे में उनको बता रहा था वो बाहर आता है और कहता है मैंने इस विलेज को धोखा दे दिया और आपकी सहायता की। और फिर उनमें से एक आकाशुकी कहता है वाह तुम तो वफादार कुत्ते निकले। और उसने उनके सैंडविच को धोखा दिया और उनको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। और यहाँ पर नारुतो साकुरा वर्सेस काकाशी सेंसेई होती रहती है जो ये तीनों आकर देखते रहते। यहाँ पर नारुतो और साकुरा दोनों काकाशी सेंसेई के सामने होती है और फिर वो सोचते रहते हैं कि ये बेल्स कैसे ले। और फिर काकाशी सेंसेई कहते हैं कि रेडी हो जाओ, मैंने मेरी बेल्स मेरे कमर में लगा ली है और तुम रेडी होने वाले हो क्योंकि अब मैं मैच स्टार्ट। ऐसा कहते ही नारुतो कहता है अब मैं आ रहा हूँ काकाशी सेंसेई। और वो बहुत तेज़ी से काकाशी सेंसेई की तरफ बढ़ता है। इसके साथ आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।